दोस्तों स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें, जिसको जानेंगे एक एक करके विस्तार से। तो इसी के साथ दोस्तों पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, आज से अनलॉक 4 की शुरुआत, जाने क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस गाइडलाइंस के तहत ही राज्य सरकारें भी अपनी गाइडलाइन जारी कर रही है। नए निर्देशों में 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। सरकार ने नई दिल्ली में शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने की मंजूरी दे दी है। मार्च से बंद बार आज से खुल जाएंगे। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन अधिकतम 100 लोग ही मौजूद रह सकेंगे। हालांकि ऐसे समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, शारीरिक दूरी, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर और महामारी के नियमों का पालन करना होगा। गाइडलाइंस के अनुसार लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। वहीं 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों को छूट दी गई है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने अभी बंद रहेंगे। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आप फोन में अपनी खबरों को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि 660 केंद्रों पर शुरू हुई जी मेंस परीक्षा, एग्जाम हॉल में एसओपी का कड़ाई से पालन। आपको बता दें कि महामारी फुल स्पीड में है। राजनेताओं से लेकर कोरोना वॉरियर्स तक कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के नए मामले हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे माहौल में छात्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि जेई मेंस और नीट के परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। छात्रों और विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद जेई मेंस की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे से बचने के लिए छात्रों को परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले ही कई परीक्षण से गुजरना पड़ रहा है। परीक्षा केंद्रों पर तैनात सुरक्षाकर्मी भी फेस शील्ड में नजर आ रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे छात्र भी मास्क और ग्लव्स लगाए हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि सियासी घमासान के बीच हो रही परीक्षा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके छात्रों और उनके अभिभावकों से सरकार की ओर से जारी स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने की अपील की है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि आज से हवाई यात्रा हो जाएगी महंगी, एविएशन मंत्रालय ने बढ़ाए चार्ज। दोस्तों आपको बता दें कि हवाई यात्रा करने वाले मुसाफिरों के लिए खबर है कि आज से उन्हें अपनी यात्रा के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। आज से विमान सेवाएं 10 रुपए महंगी हो जाएंगी। दरअसल नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर 2020 से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रियों से अधिक विमानन सुरक्षा शुल्क यानी कि ASF वसूलने का फैसला किया है। इससे हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी। आपको बता दें कि DGCA के मुताबिक घरेलू हवाई यात्रियों को ASF के तौर पर 150 रुपए के बजाय अब 160 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुसाफिरों को इसके लिए 4.85 डॉलर के बजाय 5.2 डॉलर चुकाने होंगे। विमान कंपनियां टिकट की बुकिंग के वक्त ही ASF वसूल करके सरकार को जमा कराती है। इस रकम का इस्तेमाल देश के हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए खर्च किया जाता है। विमानन मंत्रालय ने पिछले साल भी विमानन सुरक्षा शुल्क में इजाफा किया था। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अब फ्री में नहीं होगा आधार में अपडेट, खर्च करने होंगे इतने रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि अब से आधार अपडेट कराने के लिए आपको 100 रुपए खर्च करने होंगे। आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने इसके बारे में जानकारी दी है। UIDAI ने ट्वीट करके बताया कि डेमोग्राफी और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आपको रुपए खर्च करने होंगे। बायोमेट्रिक अपडेशन की फीस में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। अभी तक अपडेशन के लिए 50 रुपए ही फीस थी। आपको बता दें कि आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने ट्वीट करके लिखा है कि चाहे आप एक अपडेट करें या फिर कई, आधार कार्ड अपडेशन के लिए 100 रुपए खर्च करने होंगे। डेमोग्राफिक डिटेल्स यानी कि नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर और ईमेल अपडेशन का चार्ज 50 रुपए है। बायोमेट्रिक डिटेल्स अपडेशन के लिए UIDAI ने 100 रुपए का चार्ज तय किया है। इसके अलावा ई आधार डाउनलोड और A4 शीट पर कलर प्रिंट के लिए 30 रुपए का चार्ज देना होगा। तो दोस्तों अगर आप भी अपने आधार कार्ड में कुछ अपडेट करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, पर उसके लिए अब आपको फीस देनी होगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि नीट और जी एग्जाम देने जा रहे स्टूडेंट्स को रेलवे ने दी बड़ी राहत, आसान होगा सेंटर पहुंचना। दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने जी मेंस और नीट को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जी मेंस का आयोजन 1 सितंबर यानी कि आज से लेकर 6 सितंबर तक किया जाएगा, जबकि नीट UGC 2020 का एग्जाम 13 सितंबर को होगा। नीट के लिए 15.97 और जेई मेंस के लिए 8.5 लाख स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इन स्टूडेंट्स को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है। भारतीय रेलवे ने स्टूडेंट्स को राहत देने के लिए नीट और जी परीक्षा में हिस्सा लेने जा रहे स्टूडेंट्स को मुंबई में लोकल ट्रेनों में जाने की इजाजत
इजाजत दे दी है। स्टूडेंट्स अपना एडमिट कार्ड दिखाकर ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे। स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक को वैलिड टिकट के साथ मुंबई में ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति दी गई है। कोरोना वायरस महामारी के चलते मुंबई में चल रही लोकल ट्रेनों में फिलहाल उन यात्रियों को ही चलने की अनुमति है जिन्हें राज्य सरकार ने आवश्यक सेवाओं के लिए यात्रा की अनुमति दे रखी है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि रसोई गैस सिलेंडर के दाम में लगातार चौथे महीने फिर नहीं हुई बढ़ोतरी, देखिए नए रेट। दोस्तों आपको बता दें कि इस महीने उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलेंडर के लिए ज्यादा पैसे नहीं चुकाने होंगे। गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर 14.2 किलोग्राम की कीमत में इजाफा नहीं हुआ है और कुछ शहरों में इसके दाम कम हुए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर का दाम 594 रुपए पर स्थिर है। अन्य शहरों में भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। IOC की वेबसाइट पर दिए गए प्राइस के मुताबिक दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला रसोई गैस सिलेंडर 2 रुपए तक सस्ता हो गया है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 594 रुपए पर स्थिर है। मुंबई की बात करें तो यहां बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 594 रुपए है। हालांकि चेन्नई में इसकी कीमत 50 पैसे प्रति सिलेंडर के हिसाब से कमी आई है और ये कम होकर 610 रुपए पर आ गई है। कोलकाता में रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें 50 पैसे प्रति सिलेंडर बढ़ गई है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली मेट्रो में नहीं चलेगा टोकन, आया अपने आप टॉपअप होने वाला स्मार्ट कार्ड, ये है पूरी जानकारी। देश इस समय कोरोना के महासंकट से गुजर रहा है। इस ऐतिहासिक परिस्थिति में पहली बार रेलवे से लेकर मेट्रो के पहिए थम गए। अब करीबन 5 महीने बाद 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो की सेवा दोबारा से शुरू हो रही है। चूंकि कोरोना का संकट अभी भी बरकरार है, इसी को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मेट्रो ने अब टोकन की व्यवस्था पूरी तरह से खत्म कर दी है। वहीं मेट्रो कार्ड की जगह अब स्मार्ट कार्ड लेने जा रहा है। आइए जानते हैं कि ये स्मार्ट कार्ड कैसे होंगे, कहां से मिलेंगे और क्या आपके मौजूदा मेट्रो कार्ड अब किसी काम के हैं या नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों के लिए अब एक नए प्रकार के स्मार्ट कार्ड ऑटो पे की व्यवस्था की है। ये आम कार्ड की तरह ही होंगे लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत इनकी ऑटो टॉप अप की खूबी होगी। ये कार्ड मेट्रो स्टेशन के स्वचालित किराया संग्रह यानी कि AFC फाटकों पर ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाएंगे। नया स्मार्ट कार्ड ग्राहकों के लिए ऑटो पे ऐप पर उपलब्ध होगा। ये ऐप खासकर स्मार्ट कार्ड के लिए ही बनाया गया है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि जिन यात्रियों के पास पहले से ही दिल्ली मेट्रो का स्मार्ट कार्ड मौजूद है वे भी इस ऑटो पे ऐप के माध्यम से रजिस्टर करके अपने कार्ड में ऑटो टॉप अप की सुविधा ले सकते हैं। इस तरह के मौजूदा कार्ड धारकों को पंजीकरण के 3 दिन के बाद किसी भी मेट्रो स्टेशन के ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर अपना स्मार्ट कार्ड एक्टिव करा सकेंगे। आपको बता दें कि ऑटो टॉप अप सुविधा के अलावा इस ऐप के जरिए न्यू कार्ड की होम डिलीवरी भी शामिल है। इसके अलावा उनकी कस्टमाइजेशन सुविधा और प्रत्येक टॉप अप पर 5% अतिरिक्त छूट भी शामिल है। इस नए उपाय से स्मार्ट कार्ड रिचार्ज करने के लिए मेट्रो स्टेशनों पर लाइनें अब नहीं लगेगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में खुलेंगे अब होटल, नहीं चलेगी मेट्रो ट्रेन, जाने क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने अनलॉक 4 के तहत प्रदेश के अंदर और बाहर किए गए गतिविधियों को छूट दे दी है। महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया को मिशन बिगिन अगेन का नाम दिया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने नए नियमों के तहत राज्य में होटलों को पूरी तरह से खोलने की इजाजत दे दी है। होटल और लॉन्च 100% कैपेसिटी के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। हालांकि इस दौरान होटल और लॉन्च संचालकों को मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP का पालन करना अनिवार्य होगा। दफ्तरों को भी 30% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत मिल गई है लेकिन राज्य में फिलहाल मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू नहीं की जाएगी। महाराष्ट्र में आवागमन के लिए अब ई पास की जरूरत नहीं होगी। महाराष्ट्र सरकार ने 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग आदि सब बंद रखने का फैसला किया है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, असेंबली हॉल भी बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि दिल्ली में आज से शुरू होगी सीरो सर्वे का तीसरा चरण, लिए जाएंगे 15,000 से ज्यादा लोगों के सैंपल। राजधानी में सीरो सर्वे का तीसरा चरण मंगलवार से शुरू हो जाएगा। 1-5 सितंबर तक चलने वाले सर्वे में सभी जिलों में 15,000 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। इससे ये पता चल सकेगा कि अब कितने फीसदी लोगों में महामारी संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी है। परिणाम के आधार पर दिल्ली की वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सर्वे में पहले की तरह ही हर इलाके और उम्र के लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। इसमें वे लोग भी शामिल होंगे जिनके नमूने पहले लिए जा चुके थे। उम्र के हिसाब से 3 वर्ग बनेंगे। पहले वर्ग में 18 साल से कम उम्र वाले होंगे जबकि दूसरे में 18 से लेकर 49 साल के बीच के लोग होंगे और तीसरे वर्ग में 50 साल और उससे ज्यादा के उम्र के शामिल होंगे। इस बार कोशिश की जाएगी कि अधिक से अधिक इलाकों से सैंपल लिए जाएं। कुल कितने नमूने लेने हैं इसका डेटा अभी तैयार नहीं किया गया है। विभाग का प्रयास है कि
15,000 से ज्यादा लोगों को सर्वे में शामिल किया जाए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, अब सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले पाएंगे निजी स्कूल। दिल्ली के निजी स्कूल महामारी की अवधि के दौरान केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे, लॉकडाउन और अन्य किसी मद के तहत चार्ज नहीं लेंगे। इसके साथ ही वे लॉकडाउन की समाप्ति के बाद मासिक आधार पर वार्षिक और विकास शुल्क अनुपातिक रूप से वसूल कर सकेंगे। ये निर्देश दिल्ली के शिक्षा विभाग ने सोमवार को ऑर्डर जारी करके दिया है। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस फैसले को प्राइवेट स्कूलों के छात्रों अभिभावकों के हित में अरविंद केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला बताया है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा कि प्राइवेट स्कूलों को आदेश है कि कोई भी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस चार्ज न करे। जिसने भी छात्रों से ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस ली है उसे आने वाले महीने में एडजस्ट करना होगा। इससे पहले 17 और 18 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने निर्देश दिया था। अब दिल्ली सरकार के ताजा आदेश से निजी स्कूलों को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि इंजेक्शन नहीं नोजल स्प्रे होगा कोरोना को मिटाने का अगला तरीका, वैक्सीन एक्सपर्ट का दावा। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना की महामारी से दुनिया को बचाने के लिए सैकड़ों वैक्सीन पर काम अभी भी जारी है। एक आदर्श कोरोना वैक्सीन का रूप कैसा होगा, वो किस तरह शरीर में जाकर इस भयंकर रोग का खात्मा करेगी, इसको लेकर अभी कोई मजबूत दावा नहीं किया गया है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक नोजल स्प्रे यानी कि नाक के जरिए किए जाने वाले वैक्सीन को शरीर में पहुंचाना ज्यादा बेहतर विकल्प मानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मांसपेशियों में इंजेक्शन का इम्यून पर अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है, इसी वजह से ज्यादातर वैक्सीन डेवलपर यहीं से शुरुआत करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि महामारी वायरस जैसे किसी रेस्पिरेटरी वायरस के इन्फेक्शन की शुरुआत आमतौर पर नाक या गले से होती है। इस तरह के इन्फेक्शन इम्यूनिटी को घेरने से पहले काफी देर तक नाक और गले में रहते हैं। नाक में सीधे वैक्सीन जाने से एक अलग तरह की इम्यूनिटी बनती है जो नाक और गले के बीच पाई जाने वाली एक लाइन की कोशिका में होती है। आपको बता दें कि लोकल इम्यूनिटी नाक और गले के इन्फेक्शन को खत्म करती है, जिसे छींकने या फिर खांसने पर ड्रॉपलेट्स के जरिए बाहर इन्फेक्शन फैलता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि दिल्ली NCR में आज से ओला और उबर के कैब चालकों की हड़ताल। दोस्तों आपको बता दें कि ओला और उबर ने मंगलवार से दिल्ली NCR में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। यह कंपनियों के लिए कैब चलाने वाले लोन की किश्तों में रियायत की अवधि को 31 दिसंबर तथा किराए में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। दिल्ली सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलजीत सिंह गिल ने बताया कि करीबन 200,000 कैब चालकों ने हड़ताल का ऐलान किया है क्योंकि सरकार मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। गिल ने बताया कि लॉकडाउन के कारण आए भारी वित्तीय संकट के कारण चालक अपनी कैब की किस्तें भरने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। इनकी किस्त की रियायत की अवधि 31 अगस्त को खत्म हो गई है और बैंक पहले से ही किस्त भरने का दबाव लगातार बनाए हुए हैं। अगर चालकों ने किस्तें नहीं भरी तो बैंक वाले उनकी कैब छीन लेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे। और आपको बता दें कि अमेजन के साथ सिर्फ 4 घंटे में कमाए 60,000 से 70,000 रुपए, जानिए क्या करना होगा। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के लिए नौकरी करना हर किसी का सपना होता है, लेकिन काम अगर डिलीवरी बॉय का हो तो शायद कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये कोई मामूली काम नहीं है, इसमें मेहनत के अलावा अच्छी खासी कमाई भी होती है। बेरोजगारों के लिए ये ऑप्शन काफी बेहतर है, खासकर जब तब उन्हें ये काम दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के लिए करना हो। इस नौकरी में कोई बंदिशें नहीं है, आप फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते तो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। डिलीवरी बॉय या डिलीवरी गर्ल उन लड़के लड़कियों को कहा जाता है जो ऑनलाइन या फिर रिटेल कंपनियों के प्रोडक्ट्स या फिर पैकेट ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। डिलीवरी बॉय अमेजन के वेयरहाउस से पैकेट लेकर ग्राहकों तक पहुंचाता है। देश भर में डिलीवरी बॉय रोजाना लाखों पैकेट डिलीवर करते हैं। एक डिलीवरी बॉय को 100 से 150 पैकेट एक दिन में डिलीवर करने होते हैं। डिलीवरी बॉय को पूरा दिन काम नहीं करना होता है, डिलीवरी बॉय के हिस्से में वो पैकेज ही आते हैं जो उनके एरिया के होते हैं। हालांकि अमेजन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक डिलीवरी करते हैं। दिल्ली के डिलीवरी बॉयज का कहना है कि वे एक दिन में लगभग 4 घंटे में 100 से 150 पैकेट डिलीवर कर देते हैं। दोस्तों अगर आप भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो logistic.amazon.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि 1 सितंबर से वंदे भारत मिशन का 6ठा चरण शुरू होगा। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र ने 6 मई को वंदे भारत मिशन की शुरुआत की ताकि कोरोना वायरस महामारी के कारण फंसे लोगों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार एयर इंडिया समूह द्वारा 30 अगस्त तक 4,382 उड़ानें संचालित की गई, जिसमें की 5.83 लाख से अधिक यात्री थे। इनमें से 2,194 में 3,95,546 यात्रियों को लेकर आने वाली फ्लाइट थी और 2,188 फ्लाइट्स में 1,18,329 लोगों ने उड़ान भरी। अब मिशन फिलहाल अपने 6ठे चरण में है जो 25 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि मीडिया के खिलाफ रिया चक्रवर्ती ने दर्ज कराई शिकायत, ईडी के समन पर वकील ने बोली ये बात। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती से बीते कई दिनों से पूछताछ जारी है। इस बीच मीडिया से परेशान होकर रिया मुंबई पुलिस
पुलिस के पास पहुंची। रिया से सवाल करने के लिए उनके घर के पास काफी मीडियाकर्मी मौजूद रहते हैं, जिससे कि उनको और उनके परिवार को समस्या हो रही है। ऐसे में उन्होंने मीडिया के जमवाड़े के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। सीबीआई ने रिया को मंगलवार को तलब किया था। मुंबई पुलिस के अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने उनकी बिल्डिंग के अंदर खड़े होने की वजह से मीडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। रिया ने पुलिस से कहा है कि वह मीडिया से कहे कि उसके रास्ते में बाधा न खड़ी करें और संवैधानिक अधिकारों के तहत काम करें। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से आज सीबीआई पूछताछ नहीं करेगी। रिया से पिछले 4 दिन में 35 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। सोमवार को रिया से 9 घंटे की पूछताछ हुई थी। कहा जा रहा है कि चौथे दिन रिया से सीबीआई ने ड्रग्स को लेकर सवाल किए थे, जिसका उन्होंने सही से जवाब नहीं दिया। वहीं डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया की फैमिली से भी पूछताछ चल रही है। सैमुअल मिरांडा को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को दोबारा से जेल भेजने की मांग, झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर। चारा घोटाले के आरोप में सजा काट रहे बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दोबारा से जेल भेजने को लेकर एक याचिका दायर की गई है। ये याचिका झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि लालू चारा घोटाले में आरोपी हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव को रिम्स में रखना सही नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि पेंगोंग में खदेड़ा तो चीन से आई धमकी, 1962 से भी ज्यादा तबाह होगा भारत। चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक संपादकीय में कहा है कि अगर भारत उसके साथ किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में शामिल होना चाहता है तो चीन अतीत से ज्यादा उसकी सेना को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। दरअसल 29 और 30 अगस्त की रात लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की गई थी, लेकिन भारतीय जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया। चीनी मीडिया में इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लद्दाख में दोनों देशों के बीच ताजा झड़प पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक चोटी को लेकर हुई थी। घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि चीनी सेना ने LSC को पार नहीं किया। इसी दिन चीनी सेना के प्रवक्ता ने मांग की थी कि भारत अपनी सेना को पीछे हटाए। चीन ने भारतीय सेना पर अवैध तरीके से अपनी सीमा में प्रवेश करने का आरोप भी लगाया है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पश्चिम राजस्थान, गुजरात के कच्छ क्षेत्र, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, मेघालय, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु के आंतरिक भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान के बाकी हिस्सों, दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। वहीं तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, छत्तीसगढ़, बिहार और हरियाणा में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने मोबाइल में इसी तरह की खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।